আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ये सादा तीरे की कटिंग है सब, ये सिंगल पीस, इसको आपने डबल कर लेना है इस तरह। डबल करने के बाद आपने यहाँ से चेक करना है दरमियान से, ये पौने साढ़े पाँच दो पॉइंट पर आपने इसकी कटाई करनी है, चुड़ाई। इसके बाद आपने चेक कर लेना है तीरा कितना है। तीरा हमारे पास 18 है, तो आपने एक इंच अजाफी रखना है। ये 18 हो गया, तीरा जो है हमारे पास 18 है, तो आपने 18 पर निशान लगा लेना है और एक इंच आपने अजाफी रखना है। यहाँ पर आपने निशान लगाना है और इसकी कटिंग कर देनी है यहाँ से। ये आधा आधा इंच दोनों साइडों पे सिलाई में जाएगा। इसके बाद इसको आपने फोल्ड कर लेना है इसके ऊपर बराबर। सबसे पहले आपने नीचे वाली लाइन लगानी है, ये बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है आपने। यहाँ से आपने साढ़े पाँच दो पॉइंट पर निशान लगाना है। इसके बाद आपने ये जो निशान है साढ़े तीन इंच दो पॉइंट पर आपने ये निशान लगाना है। इसके बाद 14 हमारे पास गला है, तो आपने 2.5 का निशान लगाना है। ये आपने जो निशान लगाना है साढ़े तीन इंच दो पॉइंट पर आपने ये निशान लगाना है, तो इसको आपने स्केल बना लेना है। इस लाइन को और इस लाइन को आपने आपस में मिला देना है। यहाँ से आपने दो पॉइंट इसको रेप कर लेना है। इस तरह से यहाँ से भी आपने स्केल बना लेना है। इसकी आपने यहाँ से गुलाई कर देनी है। स्केल बनाने के बाद आपने यहाँ से गुलाई कर देनी है इसकी, इस तरह से, और इसकी कटिंग कर देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आपने एक कट लगा लेना है दरमियान का और इसकी भी कटिंग। ये जो कपड़े हैं ये आपने बराबर कर लेने हैं और ये रेप जो है ये भी आपने उतार देनी है। यहाँ पर भी आपने काट लगा लेना है। तो इस तरह से ये हमारा तीरा जो है ये मुकम्मल हो चुका है। 14.5 का इसका गला है।